नमस्कार दोस्तों 12 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन कौन सी है, नौ न्यूज है है आपको आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं नेशनल ग्रीन नीडेंट वेट फॉर क्या मतलब गोडोट का गोडोट का मतलब है यहाँ पे स्यू मोटो पावर को एग्जीक्यूट करना समझिए बात को क्या होता है कि, कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं अगर कोई गलत चीज हुई है तो या तो केस उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास आए या फिर वो कोर्ट सीधे सीधे कहीं गलत होता देख के केस को ऑटोमेटिकली अपने पास ले ले अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो केस को अपने आप अपनी तरफ खींच सकता है तो उसको बोला जाता है सी मोटो पावर्स तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कोर्ट मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मेटाफोरिकल गोडाट की जरूरत नहीं है वॉट इज गोडॉट गोडाउट इज अ थिएटर फेस फ्रेज विशन वेर दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन बट इट प्रॉबेबलीवर विल मतलब कि एनजीटी जब गोडाउट के लिए इंतजार करता था तब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर केस लेके आ रहा है एनजीटी के पास तो ही एनजीटी उस केस में इंक्वायरी करेगा अपनी एक्टिविटीज करेगा नहीं तो एन जी टी चुपचाप बैठेगा अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि एनजीटी एक यूनिक फॉरम है इन्वायमेंटल इश्यूज को लेकर तो अब एनजीटी के पास सी पावर्स है कल की डेट में अगर ऐसा कोई केस है इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड जो कि एनजीटी को लगता है कि उसको टेकअप करना चाहिए तो किसी भी प्रकार के केस फाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एनजीटी को एनजीटी अपने इनिशिएटिव पे सी बेसिस पे केस को अपने पास टेकअप कर सकता है तो यही देखिए यहां पर बोला गया है कि एक तीन जज बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम खानविलकर हृषिकेश रॉय सी रवि कुमार की और यहाँ पे क्या बोला गया द एक्साइज ऑफ पावर बाय द एनजीटी इज नॉट सरकम्सक्राइब्ड बाय द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आएगी तभी एनजीटी अपना काम शुरू करेगा ये जरूरी नहीं है वैन सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवाइट अराइज एंड इशू इज सिविल इन नेचर and those relate टू द एक्ट द एन जी टी इन आवर ओपिनियन इवन इन द एबसेंस ऑफ एन एप्लीकेशन कैन सेल्फ एग्नाइड एक्शंस मतलब एनजी टी के पास अब सी मोटो पावर्स आ गई हैं कोई केस लेके नहीं भी आ रहा है तो भी एनजी टी यहाँ पे इंक्वायरी शुरू कर सकता है जस्टिस राय ने ऑथर किया था इस जजमेंट को सेवेंटी सेवन पेजेस का यह जजमेंट है यहाँ पे बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स केंद्र की सरकार और इनफैक्ट कोर्ट का अपना खुद का एमिकस क्यूरे सुप्रीम कोर्ट का एमिकस क्यूरे पता है ना क्या होता है मैंने पहले समझाया है किसी पर्टिकुलर केस में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट एमिकस क्यूरे अपॉइंट करता है और ये एमिकस क्यूरे एक इम पार्शियल एक थर्ड पार्टी एडवाइजर की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट को किसी एक पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट अपने लिए एडवाइजर्स भी अपॉइंट कर सकता है हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवाइजर्स की बात माने या ना माने वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है सबने यहाँ पे बोला कि एनजीटी को सीमोटो पावर्स मत दो उसके बाद भी अब पे एनजीटी को ठीक हैसेस रिलेटिंग टू एनवाटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट कंजर्व तो करना नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करनाटल प्रोटेक्शन को इनहैंस करना

तो कौन कौन के एक्ट्स का डिस्क्रिप्शन आ जाता है एनजीटी के पास कौन कौन से एक्ट्स के हिसाब से एनजीटी इन्वॉल्व होकर इन्वॉर्मेंटल केस में डिसीजन दे सकता है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बट तो आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रिकी तो खैर नहीं है पहले पढ़ाया है अगर आपने ठीक से एनजीटी के बारे में पढ़ाया थोड़ा भी सर्च मारोगे इंटरनेट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ओवर टू लैख आर टी आई प्लेयर्स पेंडिंग देखिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक कंप्लेन को अब जिस प्रकार से की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ऐसा लग रहा है कि को अपनी आर अपनी आई की अपील्स को सुलटाने में दो लग जाएगा बेसिकली यहां पे सतर्क नागरिक संगठन करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कुछ और उन्होंने ये किया है, कि चाहे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो चाहे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो वहाँ पे बहुत सी अपील्स पेंडिंग पड़ी हैं अब समझिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास अपील्स तब जाती हैं जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आरटीआई का रिस्पांस देने से मना कर देता है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फला फला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपने एक लेटर लिखा आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो उस कंटेक्सट में आप अपील लेके जा सकते हो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास ऐसी बहुत सी अपील्स इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पेंडिंग पड़ी हुई है आरटीआई एक्ट आया था बारह अक्टूबर दो को सोलह साल बीत चुके हैं हर साल चालीस से साठ लाख आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल होती है ओके okay. और जो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, उनकी अपील जा सकती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास इस समय पे बैकलॉग है थर्टी थ्री थाउजेंड से बोला जा रहा है कि अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में एक साल ग्यारह महीने लग सकते हैं कुछ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है झारखंड जो झारखंड का जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है ना वो पिछले अठारह महीने से काम ही नहीं कर रहा है पिछले 18 महीने पहले उसके कमिश्नर का टेन्योर खत्म हुआ था उसके बाद से नया कमिश्नर ही अपॉइंट नहीं हुआ है। और 2020 में जो लॉकडाउन इंपोज हुआ था कोरोना का उस समय से 29 जो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन थे उसमें से 21 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई ऑलमोस्ट पूरे 2020 में पहले तीन फेजेस ऑफ कोरोना लॉकडाउन के दौरान

वन ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन और उसी कंटेक्स्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी यहाँ पे पर हुआ है 2005 में जीएस पेपर टू में न्यूज आपको काम आएगी नेक्स्ट बात करते तेलंगाना टू टेस्ट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम अब तेलंगाना का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे एक टेस्ट रन चला रहा है इनफैक्ट 6 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना ने अनाउंस किया था कि इन्होंने पहला फर्स्ट स्मार्ट बोस्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई सॉल्यूशन निकाला है ई वोटिंग सॉल्यूशन मतलब स्मार्टफोन से आप अपना वोट डाल सकते हो कोरोना पैंडेमिक के, के बाद डिजिटलाइजेशन बढ़ा है ये हम सबको पता है और इस डिजिटलाइजेशन के चलते क्या इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं तो इसके लिए तेलंगाना के अंदर ये जो खमाम डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे एक टेस्ट रन हो रहा है एक डमी इलेक्शन हो रहा है तो 8 से 18 अक्टूबर तक पहले यहां पे सिटीजन को बोला गया कि आप अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करो जिसका नाम था टी एस ऐप थी ये लोगों को सुविधा देगी अपना वोट कास्ट करने की अब इस ऐप में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स किए गए हैं पहला तो सिक्योरिटी हार्डर्न मोबाइल ऐप है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने मोबाइल में इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करेगा ना तो फिर इस ऐप के साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती ये ऐप उस पर्टिकुलर डिवाइस की आईडी से कनेक्ट हो जाएगा उस फोन नंबर से कनेक्ट हो जाएगा फिर ऐसा नहीं होगा कि उसी आईडी के लिए आप इस ऐप को एक फोन से अनइंस्टॉल करके दूसरे फोन में इंस्टॉल कर लो नहीं एक बार ये ऐप किसी फोन से चिपक गई तो फिर उसी फोन से ही वोटिंग होगी और फिर 20 अक्टूबर को ही खमाम डिस्ट्रिक्ट में एक डमी वोटिंग चलाई जा रही है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन यहां पे वोटिंग के प्रोसेस को ऐप के थ्रू कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहां पे कुछ इश्यूज भी उठते हैं कि मान लो मोबाइल फोन खो गया नया मोबाइल फोन लिया है उसमें नई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं पोर्ट करना कितना आसान होगा तो ये इश्यूज जरूर पेंडिंग है धीरे धीरे करके इनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो प्लान है कि एक ई वोटिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को खासकर ये फैसिलिटी दी जाएगी सीनियर सिटीजन को पर्सन विद डिस को सिख पीपल को वो लोग जो कि नोटिफाइड एसेंशियल सर्विसेज में इंप्लाइड आई टी प्रोफेशनल पोलिंग प्रोफेशनल और तेलंगाना की स्टेट इलेक्शन कमीशन को मदद किसने की है तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑफ द स्टेट आईटी डिपार्टमेंट वेल well ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तेलंगाना की यहाँ पे मदद की ठीक है भाई एक्सपर्ट कमिटी ने यहाँ पे मदद की ऑफ द सिस्टम के डायरेक्टर टेक्निकल इलेक्शन है पीएम मोदी तो लॉन्च फर्स्ट एवर पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान देखिए अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति की बात की थी तो मोदी जी विल लॉन्च फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गतिशक्ति तो अक्टूबर इस प्रधानमंत्री गतिशक्ति स्कीम में सोलह मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी एक डिपार्टमेंट मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो सोलह मिनिस्ट्रीज हैं ये सेवन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे गतिशक्ति प्लेटफॉर्म क्या इंश्योर करेगा कि इन सोलह मिनिस्ट्रीज के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो बेस्ट पॉसिबल रहे सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल हो इम्प्रूव प्राइवेटाइजेशन ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोज टाइमली क्रिएशन ऑफ कैपेसिटीज रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज सचेस डिसज्वाइंटेडेडेडेडेड प्लानिंग स्टैंडर्डाइजेशन और क्लियरेंसेज ये सब यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली जो गतिशक्ति मास्टर प्लान है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए तो बेसिकली गति शक्ति मास्टर प्लान भी यहां पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू ऑब्वियसली बात है पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और ओवरऑल इस पैसे से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जाएगा ये कुछ हद तक गति शक्ति मास्टर प्लान में पता चलेगा तो हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडेशन को लाने के लिए यहां पे पीएम गति शक्ति स्कीम को लेके आया गया है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाया जा सके

ये बिश्केक में मिले किसके साथ फॉरेन मिनिस्टर जुर्सलान कजाकोव के साथ कजाकिस्तान की बात की जाए तो कजाकिस्तान इज द करंट चेयर एंड इनिशिएटर ऑफ सी आई सी ए फॉर्म सी आई सी ए फॉर्म न्यूज में कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि एशिया में पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ाने की बात करता है तो ओवरऑल ज्वाइंट इनिशिएटिव के थ्रू

तो 200 मिलियन डॉलर का 75 परसेंट तो इंडिया से सोर्स करना पड़ेगा मतलब कि 200 मिलियन डॉलर का 75 परसेंट कितना हो गया लगभग मान लीजिए डेढ़ सौ मिलियन डॉलर तो डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का सामान या जितना भी सामान यहां पे इंपोर्ट करेगा कजाकिस्तान कम से कम डेढ़ सौ मिलियन डॉलर तो इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो कंट्री प्रोवाइड करती है उसके लिए काफी यूजफुल होता है जिसको मिलती है उसके लिए तो यूजफुल होता है जो कंट्री प्रोवाइड करती है उसके लिए भी यूजफुल होता है चूंकि हम एक लोन दे रहे हैं उस लोन पर हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल रहा है प्लस उसी पैसे से हमारे देश से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे सो दैट इज वाई लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही श्रीलंका को भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने अच्छा चाइना भी लाइन ऑफ क्रेडिट देता है लेकिन चाइना लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत हाईली एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स एंड कंडीशन पे देता है इंडिया ओवरऑल म्यूचुअल बेनिफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पे देता है किर्गिस्तान के साथ इंडिया के रिश्तों की बात की जाए तो नाइनटीन में इंडिया किर्गिस्तान के रिश्ते पैसे थे लेकिन आप देखोगे कि इंडिया ने कजाकिस्तान को सॉरी किर्गिस्तान बोल रहा हूं कजाकिस्तान को एक मिनट ये थोड़ा कंफ्यूज मत कंफ्यूजा जो 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है ना ये किर्गिस्तान को दी गई है ओके दिस हैज बीन गिवन टू किर्गिस्तान किर्गिस्तान में लेकिन ये जो बातचीत हो रही है वो सब सीसा फोरम में हो रही है इसीलिए सीसा फोरम में जयशंकर साहब कजाकिस्तान के भी जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलेंगे तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान मुख्तार तिलुबारदी से भी मिलेंगे तो सीसा में गए हैं पे हमारे जयशंकर साहब 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टू यूरोनियम इंडिया आगे आने वाले समय में अपनी बहुत सारी पावर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के करेगा उसके लिए हमको यूरोनियम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और वो हम कहां से खरीदेंगे कजाकिस्तान से खरीदेंगे किर्गिस्तान को 200 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट याद रखिएगा। फिर राइट टू क्लीन यूनाइटेड काउंसिल है और क्लीन इन्वायरमेंट रेजोल्यूशन है ये से अप्रूव हो गया है केवल चाइना इंडिया जापान और रशिया ने यहाँ किया इसके अगेंस्ट नहीं वोट किया है बट इसके फेवर में भी वोट नहीं किया तो आप कह सकते हो कि ये जो इट काउंसिल ने क्लीन इनवायरमेंट रेजोल्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया इससे होगा क्या इससे होगा ये कि सेफ क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ह्यूमन राइट माना जाएगा और एक एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करेगी अब इन्वायरमेंट के कंटेक्सट में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही समझिए ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है इनवायरमेंट के कंटेस्ट में ऐसा यहाँ पे क्यों किया जा रहा है देखिए दुनिया भर के जो इन्वायरमेंटल डिफेंडर्स हैं उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स होते हैं लीगल एक्शन होते हैं जैसे इंडिया में अगर कोई डैम बन रहा है या कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है और वहां पे कोई इन्वायमेंटल एनजीओ आ जाए और प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करे लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करे तो उसको फिर मरवाने की कोशिश की जाती है उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं ये पूरी दुनिया में होता है इंडिया में ऐसा कोई नहीं है मतलब देखिए इन्वायमेंटल के आधार पर कोई अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल आके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को रोकने लगे तो उस इन्वयमेंटल डिफेंडर के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए उसके ह्यूमन राइट यहां पर प्रोटेक्ट होने चाहिए लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के कंटेक्ट में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंडिया में वैसे भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड्स हैं इन्वॉर्यमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो बड़ी मुश्किल से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है अभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन इन्वायरमेंटल डिफेंडर्स को अगर ह्यूमन राइट right मिल जाता है कि वो इंटरफेयर करें तो लॉन्ग टर्म में देश का डेवलपमेंट कैसे होगा इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना ह्यूमन राइट्स को लेके इस ह्यूमन राइट्स के रेजोल्यूशन पे चार कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया वैसे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात बता दूं पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना प्रमोट करना ये काम है इस बॉडी का इसमें फोर्टी सेवन मेंबर्स इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में फोर्टी सेवन में से फोर्टी थ्री मेंबर्स ने बोला कि ठीक है भाई आप ह्यूमन राइट right को एक ए, ये क्या नाम से आप सेफ क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को एक ह्यूमन राइट right बना सकते हो तो ओवरऑल ये जो ह्यूमन राइट बॉडी है वो क्या कर रही है सेफ क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ह्यूमन राइट right बना रही है और जब सेफ क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को ह्यूमन राइट right बनाया जाएगा तो इससे होगा क्या होगा ये कि जो इन्वायरमेंटल डिफेंडर्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा और अगर सरकारें एक्शन करती है तो यूनाइटेड नेशन यहां पर प्ले में आ जाएगा इसलिए चाइना इंडिया और जापान रशिया जैसे स्टेट्स ने यहां पर है इसको फेवर नहीं किया तो सेफ क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट को ह्यूमन राइट बनाना इसके लिए यहां पे रेजोल्यूशन पास किया गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स बॉडी ने तो ह्यूमन राइट बनाया जा रहा है यहां पे इनवायरमेंटल राइट right को एक क्लीन इन्वायरमेंट को रखना एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा अब ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं चाहता कि भाई क्लीन इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट हो लेकिन डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को भी तो हम नहीं रोक सकते वो भी तो इंपॉर्टेंट है फिर सुनील चेत्री साहब ने सतर गोल मार दिए हैं ठीक है ना अभी रिसेंटली नेपाल के साथ इंडिया का मैच हो रहा था वहां पर सुनील चेत्री साहब ने सेवेंटी गोल्स मारे हैं तो इंटरनेशनली बात की जाए तो जो पेले नाम का प्लेयर था उसने भी 77 गोल्स मारे थे पर मार दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गोल्स किसके हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक 112। उसके बाद लियोनल मेसी सेवेंटीन तीसरे नंबर पर दो लोग आ गए एक तो यू का अली मकबाउथ है और हमारे चेत्री साहब सुनील चेत्री साहब सेवेंटी गोल्स ये गोल सुनील चेत्री साहब ने कम मारा तो सैफ चैंपियनशिप चल रही थी साउथ एशियन एसोसिएशनलेशन गोल्ड कप इसमें यूएस बेस्ड इकोनॉमिक्स को वेजेस के ऊपर रिसर्च के लिए देखिए यहां पे जो नोबल प्राइज को दो भागों में बांटा गया पहला भाग दिया गया कैनेडियन बॉन्ड डेविड केयर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले को इनको क्यों दिया गया इनका यह कहना है कि हाउ मिनिमम वेजेस इमिग्रेशन एजुकेशन द लेगर मार्केट तो मिनिमम वेजेस इमिग्रेशन एजुकेशन लेबर मार्केट को कैसे करते हैं उसके ऊपर रिसर्च की है किसने मिस्टर डेविड ने और इन्होंने ये बताया है कि देखिए मिनिमम वेजेस बढ़ाने से फर्म्स हायरिंग करना बंद नहीं करती हैं मिनिमम वेजेस बढ़ाने से फर्म हायरिंग करना बंद नहीं करती हैं तो इस प्रकार की स्टडी के लिए डेविड कार्ड को यहां पे आधा नोबल प्राइज मिला है बाकी आधा नोबल प्राइज शेयर किया जाएगा जोशुआ एंग्रेस्ट और ग्यूडो तो एम्बेंस को और आधा मिला है डेविड कार्ड को जिसका बोलना है कि भाई देखिए अगर आप मिनिमम वेज बढ़ा देते हो तो फॉर्म्स हायरिंग करना बंद नहीं करती है और इमिग्रेंट के आने से उस कंट्री के नेटिव को जॉब मिलना बंद हो जाए ऐसा भी यहां पे नहीं होता है और ना ही इमिग्रेंट्स के आने से उस कंट्री के नेटिव की सैलरी कम होती है ठीक है तो इसके लिए यहां पे पर नोवल प्राइस दिया गया है यूएस के इन इकोनॉमिक को और फाइनली इंडिया को यहां पे इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इंडिया दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है इसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इंडिया को यहां पर इन्वाइट किया गया अगर इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर बनता है तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजल्ट होने चाहिए नब्बे करी ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कि इन्होंने आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिरोल के साथ बातचीत की है और यहां पे फाति बिरोल ने इंडिया को इनवाइट किया है टू बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ आईईए मार्च 2017 में इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर बन गया था अब यहां पे इंडिया फुल टाइम मेंबर बनने जा रहा है इसका रीजन यह भी है कि आईईए की, की वेबसाइट पे लिखा है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स में इंडिया बहुत ज्यादा इंफ्लूशल हो रहा है तो इस कंटेक्ट में आईईए ने इंडिया को यहां पे एक ऑफर दिया आईईए की बात की जाए तो पेरिस में बना था 1974 में इट फोकस एनर्जी पॉलिसीज विच इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है भाई मार्च 2017 में इंडिया बना था एसोसिएट मेंबर और अब बन गया यहां पे फुल टाइम मेंबर आईईए की एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला हो यहाँ पे एक आईई क्लीन कोल सेंटर के बारे में भी लिखा है जो कि प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस कि कोल कैसे क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है और कैसे कोल के यूजेज को आप यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इनकोनाइज कर सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पुल ग्रेट डिफ्रेंड्स गुड बाय टेक